Before we begin, I have a quick question for you. क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता. इन्हें तो जानते ही होंगे. शायद क्या देखा? ये कौन है? देखा देखा कौन है? ये देखा देखा चेहरा लग रहा है हमारे को. हाँ, हमें भी. और इन्हें शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे. ये क्या खेल खेल रहे? ये सब सुपर विमेन है. कुछ की स्टोरीज दुनिया जानती है, कुछ की अब जानने वाली है. ये सारी फीमेल्स आत्मनिर्भर हैं. ये अपने हर रोल में अमेजिंग है. इनमें से कुछ हमारे आर्टिसंस थे और ये मेरी माँ है. शार्क्स, एज अ विमेन, हम हमारी वर्थ थोड़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं. क्या होती है एक औरत की जिंदगी? पढ़ाई करने के बाद फैमिली कहती है शादी कर लो, एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छी बीवी बनो. पर हम इससे ज्यादा भी कुछ और हैं. मेरी माँ बहुत टैलेंटेड है, पर वह ये ट्रेडिशनल थॉट ऑफ साइकिल को नहीं ब्रेक कर पाई. हमारी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई जिसने हमारी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी. तब हमने डिसाइड करा कि हम फीमेल एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करेंगे. मैंने ये साइकिल ब्रेक करी अपने शादी के लहंगे को बिजनेस सूट से चेंज करके. नमस्ते शख्स, मैं हूँ ऐश्वर्या, 26 इयर्स यंग. नमस्ते शख्स, मैं हूँ मीनाक्षी झंवर, 51 इयर्स और भी ज्यादा यंग. मजा आ गया. हम कोटा से हैं और हमारे ब्रांड का नाम एकत्रा है. एकत्रा एक सस्टेनेबल आर्टिसनल ब्रांड है जो स्टेशनरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाता है. हैंडमेड को जनरली बहुत ही लग्जरी सेगमेंट में क्लासिफाई किया जाता है, वहीं हम हैंडमेड को अफोर्डेबल बनाते हैं. हमारा ब्रांड 19 ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है और हमारी खुद की वेबसाइट भी है जिसमें से 5 ग्लोबल स्पेसेस है. हम 20+ रिटेल स्टोर्स में पैन इंडिया कोलैबोरेट कर चुके हैं. विद इन जस्ट 1.5 इयर्स ऑफ ऑपरेशंस हमने नेटफ्लिक्स, फैब इंडिया, एचसी, सेल्सफोर्स जैसे ब्रांड्स के साथ में काम करा है. क्या आप जानते हैं भारत में अभी भी लगभग 80% फीमेल्स के पास में स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? इसी कारण एकत्रा के सारे प्रोडक्ट्स फीमेल्स बनाती हैं. इसी को आगे बढ़ाने के लिए शार्क्स, हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए विद 40 लैक्स अगेंस्ट 10% इक्विटी. तो क्या आप तैयार हैं और बॉस वुमन बनाने के लिए? तो बॉस वुमन ऐश्वर्या और सुपर बॉस वुमन मीनाक्षी, आप दोनों का शार्क टैंक पे स्वागत है. थैंक यू. और आपने बहुत बड़ी बात कही कि 80% महिलाओं के पास आज स्टेबल इनकम नहीं है. जब हम पॉपुलेशन का 50% हिस्सा है तो फिर वर्कफोर्स में सिर्फ 20% क्यों? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटिस्टिक आपने बताया और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी. और ये जो आपने नाम चुना है एकत्रा, तो इसका मतलब क्या है? इसका ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कलेक्शन. ओके. कलेक्शन ऑफ थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स एंड पीपल. ऐश्वर्या जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कैसे ज्वाइन किया मम्मी को? शार्क, एक्चुअली द आइडिया केम इन जब मैं कॉलेज में थी. बाय माय एजुकेशनल बैकग्राउंड आई एम एन अर्बन प्लानर. तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू वर्क विद लॉट ऑफ कम्युनिटीज. तो आइडिया वहां से स्टेम हुआ था कि ये कम्युनिटीज में काम करते करते मैं ग्राउंड लेवल पे बहुत फीमेल्स के साथ काम कर रही थी. तो मैंने देखा उनके पास टाइम है, टैलेंट है, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. तो मैंने कॉलेज में थोड़ा सा शुरुआत किया था. फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है HCI करके, उन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया. उन्होंने इमीडिएटली 1000 जर्नल्स का ऑर्डर दिया हमें. तो वी कंप्लीटेड दैट ऑर्डर, वी गॉट 2 मोर पीपल ऑन बोर्ड और कंप्लीट करा. फिर लेट 2020s में फैब इंडिया स्पॉटेड अस. सो दे गेव अस एन ऑर्डर. तो दैट्स व्हेन वी बिकेम अ फुल फ्लेज्ड ब्रांड. एक बात कहूंगा, हमारे देश में स्टेम को लेकर, इंजीनियर को लेकर इतना फोकस है कि बहुत कम लोग ये एरियाज में पढ़ाई करते हैं जिस एरिया में आपने पढ़ाई की. तो इसका श्रेय मीनाक्षी जी आपको जाता है. Definitely. जो आपने प्रोत्साहित किया इनको, क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग और मैथ से लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, लेकिन जो मल्टी डिसिप्लिन का इंटरसेक्शन होता है ना, वहाँ चमत्कार होता है. तो हमारे देश में और ऐसी पढ़ाइयाँ चाहिए और ऐसे डिसिप्लिन चाहिए. तो आपके कोई प्रोडक्ट्स ऑर्डर देख सकते हैं? या ये ब्राउन टैग है यहाँ पर. ये बैम्बू पेपर से बने हुए. ये कितने का है ये पाउच?
This is 150. The laptop sleeve? 450. No, the laptop sleeve, they start from 700. मीनाक्षी जी, ऐश्वर्या जी, ये प्रोडक्ट्स बहुत साल से देख रहे हैं, तो इसमें कुछ नया तो नहीं है? मैं जयपुर से हूँ और वहाँ पर ऐसे प्रिंट्स काफी कॉमन भी हैं और हर जगह मिलते भी हैं। So, वो इस बेल्ट में ये प्रिंट्स आपको बहुत इजीली अवेलेबल। ऐश्वर्या ये पूछना चाहते हैं कि आप में क्या अलग है कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन? If you see designs of our products, तो एक aspect है उसमें handmade बनने का, पर जो design है वो बहुत intentional है, like your daily planners अगर आपके पास हुए, उनमें बहुत layers of thought चीज़ें होंगी, like your gratitude, self-care, movement, जो आपको daily उसमें help करेगा। I think इनका जो branding है ना एकत्र, जिस तरीके से इन्होंने, मैं ये देख रहा था जैसे इस पे जो टैग भी लगाया है, जो एक्सपीरियंस है, वो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली गुड। आई एग्री, तो ब्रांड बिल्डिंग का जो काम है ना, वो भी मतलब मुझे लगता है मेंशन नहीं किया ऐश्वर्या ने, बट वो काफी बड़ा फैक्टर होगा फील गुड वाला। एक औरत महीने के 5 दिन और लगभग उसके पूरे जिंदगी के 5 से 6 साल पीरियड्स या महावारी से गुजारती है और उसके पूरे लाइफ टाइम में 7,500 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन कंज्यूम करती है। हम मनुष्य चांद तक तो पहुंच गए, बट अभी भी आज डिग्निफाइड तरीके से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। हमारे रैक पिकर्स ये कचरे को हाथ से उठाते हैं। गांव में तो शर्मिंदगी के वजह से ये कचरे को जलाया जाता है, नहीं तो दफनाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है। भारत में 1200 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स हर साल जनरेट होते हैं और दुर्भाग्य से 98% सैनिटरी नैपकिन्स से लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। माय गॉड, एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं। मतलब ये दुनिया में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर हो गया है पैड, अभी भी जमीन में गड़ा हुआ है। ये पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं पैड केयर। नमस्कार शार्क, माय नेम इज अजिंक्य धारिया, आई एम फाउंडर एंड सीईओ एट पैड केयर लैब्स और मैं पुणे से हूँ। हम पैड केयर में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं, उससे महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे रैक पिकर्स को ये हजार्डस वेस्ट से प्रिवेंट करते हैं। हमारे पैड केयर इकोसिस्टम में 3 प्रोडक्ट है। एक डिसेंट्रलाइज पैड केयर भी, वो महिलाओं का हेल्थ हाइजीन एंड प्राइवेसी रिजॉल्व करके उनको एट सोर्स डिस्पोजल देता है और उसमें 1000 वेस्ट 30 दिन तक स्टोर हो सकता है। ये हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक से हमने जो पैड केयर एक्स बनाई है वो दुनिया के सबसे पहली 5D टेक्नोलॉजी आधारित हमारा पेटेंटेड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रिसाइकिलिंग सिस्टम है। उससे हम वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वुड पल्प एंड प्लास्टिक रिक्लेम करते हैं और वुड पल्प ए मार्केट में बेचा जाता है इन पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। प्लास्टिक को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फिर से पैड केयर बिन भी बनाया जा सकता है। पैड केयर वैन एक डिसेंट्रलाइज पीरियड इमरजेंसी मशीन है, वो महिलाएं वॉशरूम में पैड्स निकाल सकते हैं और ये पूरा प्रोडक्ट और इकोसिस्टम शहरों में IT कॉर्पोरेट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में लगाया हुआ है और इसके इस्तेमाल हम हाउसिंग सोसाइटीज में भी कर सकते हैं। आज भारत में 6 शहरों में 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और 1,00,000 महिलाएं इस सेवा का उपभोग ले रही है और प्रति महीना 15 मेट्रिक टन कार्बन एमिशन हम कंजर्व कर पा रहे हैं। ये पूरे टेक्नोलॉजी को और सर्विस को दुनिया में से US, कनाडा, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है और इस एक ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटी है और ये पूरे ग्लोब को लेके जाने के लिए हम आपसे मदद चाह रहे हैं और हमको आपका ऑफर है 50,00,000 फॉर 2% इक्विटी। लास्ट शर्म छोड़ो घर पे और पैड डिस्पोज करो बेफिक्र होके। Congratulations, काफी नोबल कॉज है। आप बहुत यंग दिखते हैं, आपकी क्या एज है और आप इस कैटेगरी के बारे में पैशन कहां से जागा? मेरी एज उम्र अभी 26 साल है। मैं जो फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, हमेशा एक सोशल और बिजनेस बैकग्राउंड से रही है, तो मैं जब बचपन के 5 साल का था तभी मैं क्लियर था मुझे आगे जाके बिजनेस करना है और एक सोशल इम्पैक्ट भी करना है।
कहाँ ग्रो अप हुए आप? आ, एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मसा एक छोटा विलेज है, उधर से मेरी स्कूलिंग हो चुकी है। आपने कहीं काम किया हुआ है? मेरे कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद 11 महीने मैं इसरो के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था एक ग्राइंड मास्टर कंपनी से एज आर एन डी इंजीनियर। जुलाई 2018 में पुणे के नजदीक एक लैंडफिल को इमर्शन करने के लिए मैं गया, तब इंसिडेंट देखा जो हमारे रैक पिकर्स थे वो अपने हाथ से ये सैनिटरी नैपकिन और डायपर सेग्रीगेट कर रहे थे। जब भी मैं सीन देखा जो पुणे के लैंडफिल में, पहले मैं कॉल उठाया और मम्मी को कॉल किया और आप कैसे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करते हो? अच्छा, वो बोले मैं रैप करते हो डस्टबिन में डाल देते हो। तभी मुझे पता चला महिलाओं का हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके हुए, उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एक डिस्पोजल सॉल्यूशन चाहिए और बैक एंड में एक इंसिनरेशन करके एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जलाया जाता है 800 डिग्री के ऊपर और उसके डीमेरिट है एक स्मोक स्मेल रिकरिंग कॉस्ट एंड सेटअप। बस और किधर भी ऐसी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम नहीं है। तो ये पूरा स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, यही मेरा पैशन है और यही मेरा विजन रहेगा। मुझे पूरी दुनिया को एक फीमेल्स को एक डिग्निका तरीके से डिस्पोजल सर्विस प्रोवाइड करनी है और उससे बिजनेस भी करना है और एक रिसाइकलिंग सर्कुलर लूप लेके आना है। वाओ, सच में यार तारीफ करनी पड़ेगी कि ये काम आसानी से कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इट जस्ट फील्स लाइक रियली हार्ड और समझना भी इतना मुश्किल होता है। ये बात थोड़ा इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अनयूजुअल स्पेशली हमारी सभ्यता में। हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच के किया और क्या आपकी मॉम ने आपको हमेशा इतना कंफर्ट दिया कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? मेरे घर में हमेशा ओपननेस रहा चुका है और हमेशा सोशल इम्पैक्ट के वजह से वो मुझे पूछ करते आए हुए, तो मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि अरे घर पे पूछ के मैं बताऊँ उनको कि मैं पैड डिस्पोजल जैसी मशीन बनाना चाह रहा हूँ। वो एक ओपननेस अब तक रहा। मॉम आपकी रोल मॉडल है बेसिकली? हाँ, मेरी मॉम एक मेरी इंस्पिरेशन है और एक रोल मॉडल है। हेलो शार्क्स, मेरा नाम संजय है और मेरी एज 45 इयर्स है। मेरा नाम शुभम है और मेरी एज 50 साल है। चौंक गए? दरअसल एक्चुअल में हमारी एज 30 साल और 28 साल है, लेकिन शहरों में होने वाले एयर पोल्यूशन की वजह से जो एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर हुआ है, हमारे लंग्स की एज इस समय पे 50 साल के एक इंसान के बराबर हो चुकी है। शहरों में होने वाले पोल्यूशन में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 50 होना चाहिए, बट इंडिया में बहुत सारे शहरों में वो एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय पे 400 से ज़्यादा है। अभी पोल्यूशन से बचने के लिए हम घर की तरफ जाते हैं, लेकिन घर पर भी ये पोल्यूशन होता है और इनफैक्ट 4 या 5 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ पेड़ पौधे लगा लेते हैं, लेकिन एक छोटे से कमरे में भी घर में 2 या 4 प्लांट लगाने से कुछ नहीं होता। कम से कम 100 या 200 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे तब जाके कुछ एयर क्वालिटी में इम्पैक्ट आता है। पर शख्स, आपको 100 प्लांट जितनी प्योर एयर देने के लिए हम ले आए हैं यूब्रीथ। और यूब्रीथ एक ऐसा एयर प्यूरिफायर है जिसमें एक आप नॉर्मल प्लांट लगाते हैं और हमारे एयर प्यूरिफायर के अंदर हमारी एक नोवेल ब्रीदिंग रूट टेक्नोलॉजी है जो उस नॉर्मल प्लांट की हवा को साफ करने की कैपेबिलिटी को 100 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई कर देती है। मतलब कि एक नॉर्मल प्लांट आपको 100 प्लांट जितना साफ हवा देता है। यूब्रीथ बहुत सारे हानिकारक गैसेस और बैक्टीरियल वायरसेस को भी क्लीन कर सकते हैं। यूब्रीथ पूरी तरह से सस्टेनेबल है, तो इसमें कभी आपको 2 से 3 मंथ में कोई फिल्टर रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूब्रीथ 3 अलग अलग वेरियंट्स में आते हैं। पहला यूब्रीथ मिनी, दूसरा यूब्रीथ लाइफ और तीसरा है हमारा यूब्रीथ वॉल। 2020 से अभी तक हम लोग 1000 से ज़्यादा कस्टमर्स को केटर कर चुके हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हमारी खुद की वेबसाइट और ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon और Flipkart पर भी अवेलेबल हैं। शार्क्स हमारी टेक्नोलॉजी को IIT रोपर और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी बैकिंग मिली है। हम अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू इस ग्लोबल एयर क्वालिटी प्रॉब्लम को इंटरनेशनल लेवल पर सॉल्व करना चाहते हैं और आगे आने वाले 5 सालों में यूब्रीथ को एक R&D एंड इनोवेशन पावर हाउस बनाना चाहते हैं। शार्क्स, आज हमारी आस्क है 1.5 CR अगेंस्ट 7.5% इक्विटी इन आर कंपनी। शार्क्स,
शार्क्स, क्या आप यूब्रीत के साथ चैन की सांस लेने के लिए तैयार हैं? इस कन्फाइंड स्पेस में हमारा एक प्रोडक्ट रखा है यूब्रीत लाइफ, साथ के साथ एक एयर क्वालिटी मॉनिटर रखा है। और ये बहुत छोटा रूम है ना? जी, बहुत ही छोटा है। ये बॉम्बे लग रहा है, हम दिल्ली में रहते हैं। अभी मैं धूप बत्ती जला रहा हूँ। इस रूम में अभी मैं पूरी तरह से ये हार्मफुल PM2.5 को फिल कर रहा हूँ। तो अभी आप जैसे देख रहे हो PM2.5। वाओ। 999 नंबर आ चुका है। प्यूरीफायर ऑन किया है, अब मैं बाहर आ जाता हूँ। इसके ऊपर वो कितना नंबर है हमें भी नहीं पता, क्योंकि उसका मैक्सिमम है। तब तक हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ, प्लीज। शार्क्स इंडोर प्लांट्स आर प्रूवन कि वो एयर क्वालिटी में फायदा करते हैं। रिसर्चेस ये बोलती हैं कि जो क्लीनिंग मोस्टली होती है प्लांट में वो सॉइल के अंदर होती है। बट आप इमेजिन कीजिए कि हवा इसके अंदर ट्रैप होनी चाहिए, बिकॉज बायोलॉजिकल प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगता है उसको, और फिर बाहर भी निकलनी चाहिए। ये बहुत स्लो है, इसके लिए 2-4 प्लांट्स कुछ भी नहीं करते। तो अब उस लिमिटेशंस को हमने कम कैसे किया, उसके लिए हमने एक स्पेशल पॉट डिज़ाइन किया था पहला। तो आप देखो कि इसमें हमने क्या किया, इनके जो मेन रीज़न है उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया, ताकि पॉल्यूटेंट जब यहाँ तक आए तो उसको वो ब्रेक डाउन कर पाए। दूसरा, ये हमने ऐसा किया है कि अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन की एक चीज़, जिसका नाम हमने रखा है फैल्कन रिंग, जो ऐसी दिखती है। तो अभी क्या है कि ऊपर से जो सक्शन हो रहा है, तो सारी हवा इस तक खींचनी चाहिए। वो ये फैल्कन रिंग क्या करती है कि वो उसको खींच के इसके पास ले जाती है, और यहाँ पे सर्कुलेशन क्रिएट करती है कि ताकि ज्यादा वॉल्यूम तो आ ही रही है और ज्यादा देर तक सर्कुलेट कर पाए। वो एनक्लोजर में ऑन है? हाँ, वो सारी चीजें उसमें ऑन है। तो कम हो गया आपका नंबर? नहीं, अभी तो 999 ही चल रहा है। चलिए, आपने बहुत बारीकी से सोचा है, प्रोडक्ट डिजाइन और इंजीनियरिंग आपने अच्छा किया है, ये बात समझ गए। चलो अभी बिजनेस के बारे में बात करें, सेल्स बताइए। हम लोगों ने 2018 में कंपनी रजिस्टर कर दी थी, तो पहले फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख का हम लोगों ने रेवेन्यू किया था, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में 12.5 का, और तीसरे में 26.5 के आसपास किया था। अभी रिसेंट जो कंक्लूड हुआ है फाइनेंशियल ईयर, उसमें हम लोगों ने करीबन 47 लाख का रेवेन्यू किया है। तो बट आपकी सेल तो ज़्यादा नहीं है बॉस। अगर आप नॉर्मली किसी एक दुकानदार, नॉट ओनली ब्रांड, आई एम टॉकिंग अबाउट एक रिटेलर, कि उसकी खुद की सेल करोड़ों की हो जाती है, आपकी पूरी कंपनी की सेल इतनी कम क्यों? अप्रोच ये नहीं थी कि कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको फिर स्केल कर देते हैं। अप्रोच ये थी कि इस प्रॉब्लम को डीपली समझते हैं। 2-1 साल तो हमें लगा कि इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक्सपर्टीज हासिल हो। और 20 करोड़ की वैल्यूएशन आपने राउंड किया है कोई पहले? नहीं, राउंड नहीं किया हम लोगों ने। 20 करोड़ की वैल्यूएशन बिकॉज इस स्पेस में और जो जर्नी होती है वो बहुत लंबी होती है, तो शुरू के जो 4-5 साल होते हैं उसमें रेवेन्यू फिगर्स जो होते हैं वो सही इंडिकेटर नहीं होते हैं आपकी ट्रू वैल्यूएशन का। ये साल का कितना करेंगे आप? 27 लाख कर चुके हैं, एंड ऑर्डर वैल्यू हम लोगों को अभी भी मिल चुका है 26 और का, तो 50-40-50 लाख। बट आप जल्दी जल्दी प्रोडक्ट के प्राइसिंग बताओ। हाँ, तो जो यूब्रीत लाइफ है उसका MRP 40,000 है। वाओ, तेरी। जो मिनी है डेस्कटॉप वर्जन वो 5,000 है उसका रिटेल प्राइस, और जो वॉल है वो टिपिकली एक सर्विस डिपेंड करता है साइज पे। जी,